थाना बीरपुर में एक व्यक्ति धारदार हथियार और लाठी लेकर किसी अपराध को अंजाम देने के आशय से घूम रहा था, जिसे गांव वालों ने पकड़कर नीम के पेड़ के नीचे बैठाकर पिटाई की। पुलिस ने जाकर गांव वालों से छुड़ाया और नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री निवास पुत्र रोशन जाटव निवासी ग्राम हीरापुरा थाना रघुनाथपुर का होना बताया। आपको बता दें कि जिसके पास से मिले चाकू छुरी और लाठी और गांजे की चिल्लम आदि को जब्त कर थाना बीरपुर में आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई तो पाया गया कि उक्त आरोपी रघुनाथपुर का गुंडा है, जिस पर रघुनाथपुर थाने सहित सबलगढ़ और करणपुर राजस्थान में कुल मिलाकर 9 अपराध पूर्व से दर्ज है। पुलिस ने उसको बचाने आए 2 साथियों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है और आरोपी श्रीनिवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हमारा कोई भी है नहीं, वो पत्थर भरने चला गया, हमारे पत्थर पड़े तो हमारे ससुर साहब भी आते, उनके पास ही पहुंच गए तो उनको धमकी दे रहा है कि बाबा साहब मेरे पास में आओ तुम, तो उनको चाकू निकाला, तलवार निकाली, वो पूछने लगा आपकी बहू कहाँ की है, आपकी बहू उनके जेवर कितना चढ़ाया उनके बाप ने, वो गिलोल निकाली और तुमको नो कहे तो बाबा मेरे को सही बात बता, नहीं तुमको सपू में जान से सबा खत्म कर दूंगा। आपकी हमारी बच्ची पहुंची रोती भगराती और उसने कही कि बड़ी मम्मी मार दे, दादा मार दे, पापा मार दे, कागे तेनू और पूरी बहू बेटियां फोन ले गिलोल और ले चाकू और सीखा कागे तेनू मारने भजा, जब जो घर में घुस के प्राण बचाए सर। हाँ बच्ची भाग पड़ी थी हमारे पास पहुँची सर। अच्छा कितने लोग थे ये? ये सर ये एक अकेला था, फिर इसके 2 सपोर्टर हमारे गांव के आए गए, इसको ये हमारा आदमी इसको मत मारो, हमने भेजा है। घटना के बाद सूचना दी सर, हमारे पास पुलिस पहुंची, उसको पकड़ के लाई पुलिस और सब हम आपके सामने खड़े थाने में। के पास कोई हथियार? चाकू मिला, गिलोल मिली, तलवार मिली सर। तलवार भी मिली थी? हाँ ये है, फोटो है सामने। सूचना मिली थी जरिए मोबाइल की, मोहनपुरा में कुछ 2-3 लोग हैं वो गांव में घुस आए हैं, तो उसकी तस्दीक में हम लोग वहां पहुंचे तो वहां बताया गया कि एक तो श्रीनिवास जाटव है रघुनाथपुर का, ये वहां का गुंडा है, इस पर करीबन 7-8 अपराध पहले से पंजीबद्ध है, तो ये कुछ गिलोल और गांजे की जो वो चिलम होती है वो लेकर और कुछ तलवार उलवार इसके पास में थी और एक लाठी डंडा था वहां पे गया हुआ था और वहां किसी से पानी मांगा और झगड़ा करा इसने उनके साथ में, और उसके बाद उन्होंने सूचना दी तो गांव वालों ने कहा इनको बंधक भी बना लिया था, फिर इसके कोई 1-2 साथी और थे इसकी मदद करने आए थे तो उनको भी गांव वालों ने पकड़ लिया था, वो मोहनपुरा के ही हैं। तो इसके पास जो भी तलवार वगैरह मिली है, चाकू छुरी और चिलम वगैरह जो गांजा वगैरह पीता है इसका आदि है, जो भी चीज़ें मिली हैं उन्हें हमने जब्त कर लिया है और इसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई बन रही है वो कर रहे हैं। गाँव वालों के द्वारा इसकी थोड़ी मार्केट वगैरह भी की गई है, उन्हें भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उसका मेडिकल करवा रहे हैं, ज़्यादा छोटे तो नहीं है, बाकी जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जा रही है और जो उसके साथी वगैरह थे जो इसको बचाने आए थे उनके खिलाफ भी हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं।